हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम जा रहे हैं घूमने, तो गाइस होप आपको बहुत मज़ा आएगा। सुबह के 9 बज रहे हैं, पापा मुझे बुला रहे हैं अंदर। हाँ जी बा, तो दोस्तों हम चल पड़े हैं अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्यूनी से थोड़े आगे दालमुगाड़, और यहाँ पे बिश का पानी दिया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी लाइन है और वहाँ पे बिश का पानी दिया जाता है, तो हम भी बिश के पानी पी रहे हैं। दोस्तों वैसे तो पानी मैं पी चुका हूँ, पर वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी कतार लगी है। सब यहाँ पे बीच के पानी के लिए आए हैं, क्योंकि बीच से बहुत उल्टा पुल्टा होता है, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को पेट दर्द होता है। तो गाइस अब हम वापस को जा रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे है खीरा और नमक मिर्च इसमें लगाया जा रहा है, गर्मी में इसका कोई तोड़ नहीं है। खीरे के साथ नमक मिर्च। भैया नाम क्या आपका? हमारे साथ लकी भाई है। थैंक यू लकी भाई, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारे साथ सोनू भाभी, और साथ में हम लोग खा रहे हैं खीरा। होप आप लोगों को बहुत लालच आ रहा होगा, अभी आप लोग देख ही सकते हैं, खा नहीं सकते। यहाँ पे लोकल खीरा पापा भी खा रहे हैं, भी टेस्ट किया पापा। क्यों चाचू? चाचू क्या बोलते? चाचू इधर तो देखो, इधर देखो भैया, क्या बोलते फिर आप खीरे के बारे में? बहुत मीठी थी, मजा आ गया। तो गाइस हम आए थे हनोल की तरफ, और हमें मिला है ये रेस्ट हाउस। ये हनोल का रेस्ट हाउस है, बहुत ही बढ़िया रेस्ट हाउस है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। तो गाइस कभी आइए और यहाँ पे ज़रूर स्टे कीजिए इस रेस्ट हाउस में, अनोल का रेस्ट हाउस है ये। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, ये है सटंगदार का जंगल, और वहाँ पे है नदी तौस। तौस नदी अगर यहाँ पे गिर गए तो कोई नामो निशान नहीं मिलेगा आपका। और यहाँ पे गाइस खरीदारी हो रही है टमाटर की। तो दोस्तों अगर आप त्यूनी नहीं आए, प्लीज त्यूनी पक्का विजिट कीजिए। आप यहाँ की मेहनत देखोगे, यार इनकी खेती देखो आप, क्या मेहनत की है लोगों ने। यहाँ पे देख सकते हो आप, नीचे तक सब कुछ उगाया हुआ है, और एक जो बोलते हैं ना, तिनका घास का नहीं दिख रहा, फसल ही फसल दिख रही है पूरी, आर से लेकर पार तक जहाँ तक नजर जाती है फसल ही फसल है। गाइस बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ के। दोस्तों आगे चलते चलते हम पहुँच चुके हैं इस होटल में, होटल का नाम अभी तक पता नहीं है, पर आगे चल के पता करते हैं इस होटल का नाम क्या है और क्या यहाँ पे खाना बना है कि नहीं। तो गाइस इस होटल का नाम है देवभूमि कॉटेज, और यहाँ पे आप इसकी फ्लोरिंग देखोगे तो पत्थर ही पत्थर से किया गया है इसे फ्लोर, अरे से परे तक। तो भाई जान का नाम क्या है? अतुल। अतुल काम करते हो आप यहाँ पे? आपका? तो दोस्तों ये है होटल का टॉप फ्लोर, और मैं बहुत ही काला दिख रहा हूँ मुझे पता है। तो गाइस इसके नीचे पता नहीं क्या है, ये चमकीला सा, बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही है और मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही है। तो हिमाचल तो अपनी जगह है गाइस, पर त्यूनी उत्तराखंड भी कुछ कम नहीं है। मेरे पीछे देखिए आप, हरियाली ही हरियाली है चारों ओर। तो दोस्तों ये है आपका देवभूमि होटल कम होम स्टे, आप कभी भी यहाँ पे विजिट कीजिए, त्यूनी के पास ही पड़ता है ये। है गाइस यहाँ पे शीशा है, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन, यहाँ पे किचन। यहाँ पे खा रहे हैं सब चाउमीन, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। चलते हैं आपको होम स्टे की तरफ, क्योंकि हमने होटल का दौरा तो आपको करा दिया था,
आइए। तो गाइस ये है इनका होम स्टे, यहाँ पे देख सकते हैं आप बेडिंग वगैरह बहुत अच्छे से उन्होंने बिछाई हुई है गाइस, यहाँ पे आपके पिलर्स हैं और ये है आपका छोटा सा टेबल साथ में दो कुर्सियाँ, और यहाँ पे आपका अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप ऑन कर सकते हो फैन टाइप। तो गाइस यहाँ पे है छोटा सा टेबल और इधर आइए आप अंदर, यहाँ पे इनके बाथरूम्स, तो यहाँ पे छोटा सा शीशा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाइलिश सा रंग का रॉयल्स का। तो गाइस यहाँ आइए, यहाँ पे है आपका टॉयलेट और ये भी बहुत अच्छा है, साफ सुथरी कंडीशन है गाइस, जरूर विजिट कीजिए आप Bhoomi Cottage होटल कम होमस्टे। तो गाइस ये एक और बाथरूम है गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे डिफरेंट चीज है आपकी यहाँ की बाथ टब, और यहाँ पे आप कभी भी आइए। इस रूम का जो रेंट है वो है 2000 रुपीज। सच अ ग्रेट रूम। तो दोस्तों अब हम पाथवे में चल के जा रहे हैं वापस, अब चलते हैं घर को क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा देख लिया इस होटल को, पर ये होटल बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही नाइस लोग हैं यहाँ के जो मैनेजर्स वगैरह हैं। तो अभी अंडर बन ही रहा है, मतलब इसकी सराउंडिंग में घास घूस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही हरियाली है और यहाँ पे भी कुछ टाइम में हो जाएगी। तो गाइस अब हम चलते हैं घर को। दोस्तों जो ये आप विशाल नदी देख रहे हो ये है तौंस, अगर यहाँ पे गिर गए तो आपका नाम निशान क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गाइस इस नदी से बच के रहिए, देखने के लिए बस अच्छी लग रही है। ओ भाई भाई क्या नदी है, माँ कसम से मर गए ना इसमें, खत्म है काम। बड़ी मेहनत हाँ ठीक ही निकल जाता है, चावल बिकता है 80 रुपए किलो। तो कितनी कर देते हैं एक साल में, कितना हो जाता है ये? अच्छा निकलता हमारे पास, मतलब 100 क्विंटल निकल जाता है। दोस्तों ये है इनके धान की खेती, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है धान ही धान है चारों ओर। तो दोस्तों ये है कठंग और यहाँ पे है बहुत सारी मशीनें, धान पीसने वाली, आटा पीसने वाली, और ये सबसे बड़ी। तो कठंग में आप लाल चावल या कुछ भी लेना चाहे, यहाँ देखिए आप पीसा हुआ धान, धाने की गुड़ा है। इसमें निकालते हैं चावल। तो मेरे दोस्तों जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है यहाँ से पार तक पूरे में कीवी की खेती है, और इसमें ठीक ढंग का सपोर्ट सिस्टम भी है क्योंकि बिना सपोर्ट के तो ये टूट जाएगी। सो गाइस ये देखिए आप कीवी ही कीवी आर से पार तक। हेलो गाइस, मुझे लगता है आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टाटा। तो दोस्तों इस होटल का नाम हमें पता लग गया, इस होटल का नाम है देवभूमि होटल और ये होम स्टे भी है थोड़ा बहुत।